हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का यह वीडियो मैं क्लास 12 की एनसीईआरटी की बुक से प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन चैप्टर से प्रश्नावली 2.1 से बना रहा हूँ। दोस्तों, इससे पहले मैं इस चैप्टर का एक और वीडियो बना चुका हूँ जो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने इस चैप्टर कुछ बेसिक्स, उनकी ट्रिक और इस प्रश्नावली के दो सवाल देखे थे। आज दोस्तों हम लोग तीसरा सवाल देखने वाले हैं और इस प्रश्नावली को आज पूरी ख़त्म कर देंगे। तो दोस्तों, बिना वीडियो को स्किप किए हमारे साथ बने रहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर सवाल है कौशिक इन्वर्स 2 का मुख्य मान निकालना है। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस सवाल को कैसे लगाते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको मान लेते हैं। माना कौशिक इन्वर्स 2 बराबर y। अब दोस्तों, ये जो कौशिक इन्वर्स है ये उस साइड जाकर इन्वर्स इसका हट जाएगा। कैसे हो जाएगा? कौशिक y बराबर 2। अब दोस्तों हम लोग जानते हैं कि ये जो 2 है ये कौशिक के पद में इसका मान होता है हमारा कौशिक पाई बाई 6 यानी कौशिक 30 अंश। क्या होता है दोस्तों? कौशिक 30 अंश। अब दोस्तों आप लोग जानते हैं कि हम लोग 30 अंश को पाई बाई 6 यानी पाई को दोस्तों हम लोग 180 डिग्री मानते हैं। तो जब 180 डिग्री बटे 6 किया जाएगा तो कौशिक 30 हमारा आ जाएगा। तो कौशिक और पाई बाई 6, यहाँ पर कौशिक और कौशिक कट जाएगा और वाई बराबर हमारा पाई बाई 6 आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों हम लोग ये देखेंगे कि क्या इसके परिसर के अंदर ये आंसर आ रहा है या नहीं। तो मैंने कल आपको कल बताया था, परिसर याद करने की ट्रिक भी बताई थी। वीडियो ना देखे हो तो अभी ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। तो कौशिक इन्वर्स का परिसर होता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के मध्य। तो आप लोग रफ में करके देख सकते हैं कि ये पाई बाई 6 पाई बाई माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच आ रहा है। अब दोस्तों हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला सवाल है टैन इनवर्स माइनस रूट 3 का मुख्य मान निकालो। इसको भी हम लोग कुछ वैसे ही लगाने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग टैन इनवर्स माइनस रूट 3 को वाई मान लेंगे, फिर टैन वाई बराबर माइनस रूट 3। अब दोस्तों हम लोग जानते हैं कि रूट 3 टैन के पद में मान टैन 60 अंश का होता है यानी कि माइनस टैन पाई वाई 3 यहाँ पर इसका आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से टैन हमारा कट जाएगा और वाई बराबर पाई वाई 3 इसका आंसर आ जाएगा। अब हम लोग इसको चेक कर लेते हैं कि क्या इसका आंसर इसके परिसर के बीच में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर टैन इनवर्स का परिसर होता है दोस्तों माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जब हम लोग इसको यहाँ हम लोग मान लेंगे कि यहाँ पर 1 लिखा है, ठीक है। जब एक में हम लोग दोस्तों 3 का भाग देंगे तो 0.9 के आसपास कुछ आएगा। और यहाँ पर कितना आ रहा है? यहाँ पर दोस्तों जब इसका भाग देंगे तो -0.5 से 0.5 के मध्य आना चाहिए। इसका मतलब हमारा ये आंसर एकदम सही है। अब दोस्तों हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कॉस इनवर्स माइनस 1/2 का मुख्य मान निकालना है। दोस्तों
इससे पहले की वीडियो में मैं आपको ट्रिक बता चुका हूँ कि जब कभी बाहर कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स हो तब हमें, और अंदर कोष्ठक के अंदर माइनस हो तो हमें क्या करना है। तो इसके लिए आपने कल देखा था कि इसकी ट्रिक है सुमन केक काटो, यानी सेक, कॉस और कॉट जब कभी आ जाए तो वहाँ पर पाई माइनस फलन और एक्स आंसर आ जाता है। जैसे यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम लोग पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 ये हमारा इसको ऐसे कर लेंगे। अब दोस्तों हम लोग इसको समीकरण एक कुछ देर के लिए मान लेते हैं। अब दोस्तों हम लोग इसको भूल जाते हैं और सिर्फ पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, कॉस इनवर्स 1/2, इसको हम लोग वाई मान लेंगे। अब दोस्तों ये हमारा वाई बराबर कॉस वाई बराबर 1/2 आ जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि कॉस 1/2 का मान कॉस के पद में कॉस 30 अंश का होता है, यानी कॉस 60 अंश का होता है, यानी पाई बाई 3। कॉस पाई बाई 3। अब यहाँ पर कॉस से कॉस कट जाएगा, वाई बराबर पाई बाई 3 आ जाएगा। अब समीकरण एक से, समीकरण एक में हमारा क्या निकला था दोस्तों, समीकरण एक था हमारा पाई माइनस वाई। तो दोस्तों यहाँ पर पाई का पाई लिख देंगे और वाई की जगह हमारा पाई बाई 3 आ गया है। 3 जब इसका लासा लेंगे तो 3 और 3 यहाँ लासा आएगा 3 पाई माइनस पाई, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 पाई बाई 3। अब दोस्तों हम लोग अगले सवाल में चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल है tan इनवर्स -1 का मुख्य मान निकालना है। सबसे पहले हम लोग इसको मान लेंगे, यानी tan इनवर्स -1 बराबर y, यानी tan y बराबर 1। अब यानी -1, अब 1 का मान दोस्तों tan के पद में हमारा होता है tan 45 अंश का, यानी -tan 45 अंश को दोस्तों हम लोग पाई बाई 4 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों tan से tan हमारा कट जाएगा तो y बराबर माइनस पाई बाई 4 इसका आंसर आ जाएगा। दोस्तों हम लोग चेक भी कर लेंगे कि क्या इसके परिसर के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है। दोस्तों tan इनवर्स का परिसर होता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के मध्य। अगले सवाल में दिया है sec इनवर्स 2/√3 का हमें मुख्य मान निकालना है। ये दोस्तों हमारा सवाल है। अब वैसे ही इसको भी लगाएंगे, इसको दोस्तों जब हम लोग मानेंगे तो sec y बराबर 2/√3 आ जाएगा, या 2/√3 का मान दोस्तों sec के पद में होता है पाई बाई 6, यानी sec पाई बाई 6। sec से sec दोस्तों कट जाएगा और y बराबर पाई बाई 6। इसका परिसर क्या होता है sec का दोस्तों, होता है 0 से पाई माइनस पाई बाई 2। दोस्तों जब आप पीछे रफ कार्य में इसको करेंगे तो आप ये पाएंगे कि इसका आंसर इसके परिसर के बीच में ही आ रहा है। तो दोस्तों इस तरह आप देख सकते हैं कि कैसे आप सवाल को 2 से 3 लाइनों में लगा सकते हैं। अगला सवाल है cot इनवर्स √3 का मुख्य मान निकालना है। तो वैसे इसको हम लोग भी लगा लेंगे, cot y बराबर √3। अब दोस्तों √3 का मान cot के पद में हमारा cot 30 अंश का होता है, यानी cot पाई बाई 6 हम लोग इसको लिख सकते हैं। कॉट से दोस्तों कॉट कट जाएगा और वाई बराबर पाई बाई
6 इसका आंसर आ जाएगा। कॉर्ड का परिसर कितना होता है? 0 से पाई के मध्य होता है। अब दोस्तों अगले सवाल में हम लोग आते हैं। अगला सवाल है दोस्तों कॉस इनवर्स माइनस 1/√2। अगले सवाल में मैंने आपको बताया था कि जब कभी कॉस इनवर्स हो और अंदर कोष्ठक के माइनस लगा हो तो यहाँ पर हम लोग समीकरण बना लेते हैं। पाई माइनस इसका हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/√2, ये हमारा समीकरण एक हो गया। अब दोस्तों पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर बाद में इसमें मान रख के आंसर निकाल लेंगे। तो माना कॉस इनवर्स 1/√2 बराबर वाई, यानी कॉस वाई बराबर 1/√2। यहाँ से 1/√2 कॉस 45 अंश का मान होता है, यानी कॉस पाई बाई 4। अब दोस्तों ये कॉट से कॉट कट जाएगा, यानी वाई बराबर पाई बाई 4 हमारा आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर कॉस इनवर्स 1/√2 को हम लोग वाई माने, यानी समीकरण एक को हम लोग, यानी समीकरण एक से हम लोग दोस्तों इसको क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं पाई माइनस वाई, और वाई का मान क्या निकला है? हमारा निकला है पाई बाई 4। जब दोस्तों यहाँ पर चार लासा लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3π/4। तो इस तरह से हमारा ये नवा सवाल हो गया है। अब अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। अगला सवाल है कॉसेक इनवर्स माइनस √2 का मुख्य मान निकालना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सबसे पहले इसको हम लोग मान लेते हैं, यानी कॉसेक वाई बराबर माइनस √2। दोस्तों √2 का मान कॉसेक के पद में कॉसेक 45 अंश का होता है, यानी माइनस कॉसेक 45 का दोस्तों हम लोग पाई बाई 4 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर कॉसेक से कॉसेक कट जाएगा और वाई बराबर माइनस पाई बाई 4 आंसर आ जाएगा। चेक कर लेंगे कि क्या ये परिसर के अंदर आ रहा है, तो पाई बाई 2 अपॉन पाई बाई 2 इसका परिसर बीच में होता है। तो देखिए माइनस पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के मध्य आ रहा है। तो दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं प्रश्न नंबर 11 में। दोस्तों ये प्रश्न नंबर 11 बड़ा सवाल है और इसमें 3 पार्ट हैं, तो हम लोग अलग अलग पार्ट को अलग अलग ढंग से हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग टैन इनवर्स 1 को हल करते हैं। टैन इनवर्स 1 बराबर एक्स मानते हैं, यानी टैन एक्स बराबर 1। और आप लोग जानते हैं कि टैन 1 का मान टैन के पद में टैन 45 का होता है, यानी पाई बाई 4। दोस्तों यहाँ पर टैन से टैन कट जाएगा और एक्स बराबर पाई बाई 4 हमारा आ जाएगा। अब दोस्तों सवाल का अगला पार्ट कॉस इनवर्स माइनस 1/√2। दोस्तों सेम सवाल हम लोग पीछे हल कर चुके हैं, तो हमारा उस समय आंसर आया था वाई बराबर 2π/3। इसी तरह दोस्तों हमारा अगला सवाल का पार्ट है साइन इनवर्स माइनस 1/√2। दोस्तों इसको भी आप बड़ी आसानी से लगा सकते हैं, इसका आंसर आएगा जेड बराबर माइनस π/6। दोस्तों सवाल के हिसाब से हम लोगों ने सभी मान निकाल लिए हैं। अब x प्लस y प्लस जेड में हम लोग इन सभी मानों को रख देंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। दोस्तों x बराबर हमारा आया था π/4, y बराबर आया था 2π/3 और जेड बराबर आया था माइनस π/6। दोस्तों जब आप इनका लासा लेंगे तो इनका लासा आएगा 12। तो 4 3 12 मतलब 3 पाई
प्लस 3 चौक 12, 4 दुनी 8 पाई प्लस 6 दुनी 12, तो यहाँ पर हमारा माइनस 2 पाई इसका आ जाएगा। इसको हम लोग जब हम लोग हल करेंगे तो यहाँ पर 9 पाई बटे 12 आ जाएगा, और ज़्यादा हल करने पर हम लोगों को 3 पाई बाई 4 इसका आंसर मिल जाएगा। दोस्तों 12 नंबर सवाल है, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, तो इसको भी हम लोग अलग अलग पार्ट में हल करेंगे। तो यहाँ पर कॉस इनवर्स 1/2 बराबर एक्स, तब कॉस एक्स बराबर 1/2। इसको आप लोग इस तरह का सवाल पहले आप लोग लगा चुके हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा एक्स बराबर पाई बाई 3। इसी तरह वीडियो का सवाल का अगला पार्ट साइन इनवर्स 1/2 बराबर वाई मान लेंगे, फिर इसका हम लोग आंसर पाएंगे वाई बराबर पाई बाई 6। अब दोस्तों हम लोग इसका मान इस यहाँ पर रख देंगे, तो यहाँ पर देखिए कॉस इनवर्स 1/2 को हम लोगों ने एक्स माना है, यानी एक्स प्लस, और यहाँ पर 2 साइन इनवर्स 1/2 को हम लोगों ने वाई माना है, यानी एक्स प्लस 2y। अब हमारे जो माना है एक्स और वाई के, इसको यहाँ रख देंगे पाई बाई 3 प्लस 2 इंटू पाई बाई 6। दोस्तों आप लोग इसको आराम से हल कर सकते हैं, इसको हल करने पर हमें मिलेगा 2π/3। इस तरह दोस्तों इस सवाल का हमें आंसर मिल जाएगा। दोस्तों अब हम लोग 14 नंबर सवाल पे आ गए हैं। इस तरह के सवाल आपने अलग अलग पार्ट में वीडियो में समझ चुके हैं, तो अब इसको आप लोग इस सवाल को लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर 10√3 आप इसको रफ में निकाल सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर पाई बाई 3 आएगा, माइनस सेक इनवर्स माइनस 2 हमारा माइनस 2π/3 आ जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर माइनस पाई बाई 3 आ जाएगा। अब दोस्तों आपकी इस प्रश्न वाली पूरी हो गई है। अब मैं दोस्तों आपको एक होमवर्क में एक सवाल दूंगा, जिसको आपको कमेंट में नीचे लिखना है। जो भी आंसर सवाल का सही देगा, उसका सही आंसर और उस स्टूडेंट का नाम मैं कल अपने वीडियो पे बताऊंगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, और अपने दोस्तों में से शेयर ज़रूर कीजिए ताकि उनकी भी मदद हो पाए। दोस्तों बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे मैं इस तरह के और प्रश्नावली के जब वीडियो बनाऊं तो उनकी नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए।